हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। देखिए, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो तीन वाक्यों को जोड़कर एक बनाना, यानी वाक्य संयोजन। दो या तीन वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं, या तो हम सिंपल वाक्य बनाते हैं जोड़कर, या कंपाउंड बना दें, या फिर बना दें कॉम्प्लेक्स। उसके बारे में आज बात करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। क्या होता है, या तो हम जैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक पूरा सिंपल वाक्य बना दें, या कंपाउंड, या बना दें कॉम्प्लेक्स। ये पेपर में आता है, 11वीं 12वीं क्लास का है सिलेबस में ये। उसके लिए पहले हमें वर्ब समझना पड़ेगा, वर्ब क्या चीज़ है, कैसे प्रयोग करना है। एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फिनिट वर्ब। ये जो शब्द की स्पेलिंग आप देख रहे हैं फाइनाइट, इसे पढ़ेंगे यहाँ पर फाइनाइट। अगर सिंगल शब्द है ये शब्द अगर यहाँ पर इसके नॉन के साथ आ गया तो नॉन फिनिट पढ़ा जाएगा। ये इसका पढ़ने का तरीका ये है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। ये लिखने में स्पेलिंग सेम है, लेकिन बोलने का तरीका भी अलग है, देख सकते हैं आप डिक्शनरी में से। तो नॉन फिनिट वर्ब कौन सी होती है? नॉन फिनिट वर्ब होती हैं जहाँ पर या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का रूप हो देखने में, जैसे गोइंग, रीडिंग, प्लेइंग, कुछ भी, वो नॉन फिनिट कहलाती है। या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा हो पहले, जैसे टू गो, टू रीड, टू प्ले, ऐसा कुछ भी, कोई भी वर्ब हो जिसमें टू लगा हो पास में, वो कहलाती है नॉन फिनिट वर्ब। या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, गॉन है, ब्रोकन है, प्लेड है, जो भी है, वास्ट वगैरह। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का रूप जो होता है, ये सारी तीनों चीज़ें कहलाती हैं नॉन फिनिट वर्ब। ये बाकी जो फाइनल वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनल वर्ब के कहलाएगी, सेकंड फॉर्म कहलाएगी, या कोई भी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर में रहती है, यानी जिनसे सेंटेंस बनता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, कुछ भी, किसी भी तरह का, वो चीज़ के बराबर में कुछ भी आ सकता है, वो कहलाती है फाइनल वर्ब। ये लीजिए, मैं आपको ये पास से दिखा देता हूँ क्या लिखा है बोर्ड पे। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर बोर्ड पे बहुत बारीक छोटा लिखा रहता है, साफ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं जो लिखा है बोर्ड पे पूरा आपको एकदम पास से दिखा देता हूँ पहले क्या लिखा है यहाँ पर। ये तो सिंपल वाक्य बनाना हम सबसे पहले सीखेंगे। तो सिंपल वाक्य बनाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि फाइनल वर्ब और नॉन फिनल का क्या चक्कर है, क्योंकि सिंपल वाक्य जब हम बनाते हैं दो तीन वाक्य को जोड़कर, तो उसमें केवल एक ही फाइनल वर्ब होनी चाहिए, बाकी सब वर्ब का रूप बदल देते हैं। कोई भी वाक्य होता है, हर वाक्य सिंपल ही होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कुछ भी आती है, वो वाक्य सिंपल ही वाक्य होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के पास में कोई ना कोई वर्ब तो रहती है। आप प्रेजेंट का वाक्य बना लें, पास्ट का बना लें, फ्यूचर का बना लें, कोई ना कोई वर्ब आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर आएगी मेन वर्ब, तभी सेंटेंस बनता है। तो सब अधिकतर वाक्य जितने भी बनाते हैं अब सब सिंपल ही होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये मुकेश जंप सब्जेक्ट के बराबर वाली है, यहाँ पर ये फाइनल वर्ब है, एक सेंटेंस ये वाला ही रेन ट्रेन, ये यहाँ पर फाइनल वर्ब का काम कर रही है। ये फाइनल वर्ब है, ये फाइनल वर्ब है, यहाँ पर ये है, इस सब्जेक्ट के बराबर में इससे सेंटेंस बन रहा है, ये फाइनल वर्ब ये वाली है, एक फाइनल ये है, तो किसी भी रूप में आ सकती है वो। तो अभी पहले हम यहाँ पे सिंपल वाक्य बनाना सीखेंगे कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल वाक्य बनाते हैं तो क्या देखना पड़ता है। तो पहला नियम जो आ रहा है वो ये आ रहा है, जिन वाक्यों को जोड़ना हो यदि उनका सब्जेक्ट एक ही आदमी है, यानी एक आदमी दोनों तीनों काम कर रहा है, तब ये नियम लगेगा इसके अंदर। उसमें भी हमें एक बात देखनी पड़ेगी कि जो काम पहले हो रहा है वो काम एक दो सेकेंड में हो रहा है या उसमें देर लग रही है, उस काम को पहचानना पड़ेगा, यानी कि आपको इसकी थोड़ी सी हिंदी पता होनी चाहिए, तभी सेंटेंस बन पाएगा। तो जल्दी वाला काम एक सेकंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी ने शेर देखा, तो शेर आदमी एक सेकंड में देख लेगा और देखते भाग लेगा वहाँ से डर के मारे, या किसी ने सांप देख लिया या कुछ ऐसी बात देख ली घटना, तो एक सेकंड का काम होता देखने का, या कोई एक धमाके की आवाज़ हुई तो आदमी एक सेकंड में सुन लेगा, कोई आवाज़ आएगी कुछ भी इस तरीके की, या मान लो किसी ने पेन उठाया और लेटर लिख दिया तो पेन उठाने में एक सेकंड लगेगा, या किसी ने कुछ फेंक दिया मान लो, ये भी क्रिया आएगी। तो जो काम सेकंडों में हो जाता हो उस पर नियम लगेगा, ये वाले जो कर रहे हैं अभी, ये कुछ काम होते हैं देर के, जैसे खाना खाकर ऑफिस चला गया तो खाना खाने में टाइम लगेगा 5-10 मिनट का, या क्रिकेट खेलकर थक गया तो क्रिकेट खेलने में काफ़ी टाइम लगता है अगर आदमी जम गया तो, अगर नहीं भी जमा तो 2-4 बॉल खेले तब इसमें 2-4 मिनट लग जाएंगे जरूर, यानी सेकेंड वाला काम नहीं है। तो ऐसा काम जिसमें कुछ देर लगती है वो देर वाला काम है, और जो काम सेकेंडों में हो जाता हो वो काम होता है जल्दी वाला काम, जो कम समय में हो जाए। तो उसका नियम चलेगा यहाँ पर, उसकी दो पहचान, एक तो वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए
और पहला काम जो बिल्कुल कम समय का हो सेकंडों के हिसाब से, तो उसको कैसे बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, रामू सॉ ए लायन, रामू ने एक शेर देखा, ही रहने वाले वह भाग गया। ये जो उसने काम करा शेर को देखने का, वो सेकंड में हो जाएगा देखते ही। अगला काम ये करा उसने भागने का, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारी वर्ब होती है पहले सेंटेंस की फाइनल वर्ब, जो काम पहले हो रहा है सेकेंडों में, उसको आईएनजी में चेंज करेंगे। सॉ सेकेंड फॉर्म में, ये इसकी सी फर्स्ट फॉर्म में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, सब्जेक्ट को तो छोड़ देंगे पहले, पहले इस वर्ब को हम आईएनजी में चेंज करेंगे और बाकी शब्द यहाँ लिखेंगे जो भी है। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा उसको यहाँ पर लगाना है इसके बदले में हमें, ये अगले बाकी वाक्य की नकल करनी है सेम। ये इस वाक्य हम देखते हैं, इस वाक्य में यहाँ पर दो सेंटेंस थे अलग अलग, दोनों में फाइनेट वर्ब थी एक एक। इस फाइनेट का रूप हमने चेंज कर दिया अपने आप से, ये बन गया नॉन फिनिट वर्ब ये। और सब्जेक्ट के पास में एक वर्ब आई रही है यहाँ पर, ये फाइनेट वर्ब सेम टू सेम ही वाली बिल्कुल जैसी थी वैसी, इसका हमने रूप बदल दिया। तो ये वाक्य पूरा सिंपल बन गया अभी, क्योंकि इस वर्ब में केवल, इस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनेट वर्ब है, बाकी नॉन फिनिट वर्ब हो गई। कि सिंपल वाक्य क्या होता है, सिंपल वाक्य में केवल एक फाइनेट वर्ब होनी चाहिए। वर्ब तो हो सकती है एक सेंटेंस में कह के, लेकिन वो या तो आईएनजी के रूप में हो, या थर्ड फॉर्म हो, या फिर उसके अंदर टू लगाओ वर्ब में, तब वो सिंपल वाक्य बन जाता है उससे। तो देखिए सेंटेंस है, आप इसकी हिंदी समझनी पड़ेगी हमें क्या है तब बनेगा ये। जैसे मुकेश जंप्ड डाउन, मुकेश नीचे कूदा, हिरण अभी भाग गया। तो कूदने में सेकंड का काम है, इतने तुरंत कूद जाता है। रेखा टुक एक ही, रेखा ने एक चाबी ली, शी अनलॉक द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया उसने। तो चाबी उठाने में एक सेकंड लगेगा कहीं से भी। द डियर सॉ ए लायन, हिरण ने एक शेर देखा, इट जंप्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो जो है जंगल में भाग गया। तो देखने वाला काम सेकंडों का है। माय फादर टुक द स्टिक, मेरे पिताजी ने एक छड़ी उठाई, ही बीट मी, और मेरी पिटाई की। बचपन में सब पिटते अपने माँ बाप से, तो स्टिक उठाने वाला काम जो है वो सेकंडों का है। तो जल्दी काम है, दोनों काम एक ही आदमी कर रहा है यहाँ पर भी। ये गीता वाज टायर्ड शी फेंटेड, गीता जो थक गई, एकदम आदमी काम करते करते एक लिमिट आती है, जब उसकी चरम सीमा होती है फिर वो थक जाता है, तो एकदम आदमी थक के फिर बैठ जाता है। तो थकने की कंडीशन यहाँ पर भी यही बन रही है। तो ये फाइनल वर्ब का काम ये कर रही है यहाँ पर ये। तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी, पढ़ा होगा आपने, बी की फॉर्म है ये। बी के अंदर इज़ हमारे वाजवर छुपा रहता है, तो बी के वाजवर सेकंड फॉर्म है, और बीन थर्ड फॉर्म है, और बीइंग इसकी आईएनजी फॉर्म है। तो शुरू में बीइंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पर ये। अगला है ही वाज हर्ट बाय ए स्टोन, यानी मान लो किसी को चलते में पत्थर से कोई चोट लग गई, ठोकर लग गई, घायल हो गया, सेकेंड में हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। टर्न टू द लेफ्ट, अपने लेफ्ट तरफ मुड़िए आप, यू विल सी द बैंक, आपको बैंक दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो दोनों यू है, क्योंकि इम्परेटिव वाक्य है, और इम्परेटिव वाक्य में सामने वाला यू छुपा रहता है। तो हम सामने वाले से कह रहे हैं अपने टर्न टू द लेफ्ट, अपने लेफ्ट को मुड़िए और आपको बैंक दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बार वायरी सीधी सीधी इसको चेंज कर देंगे। टर्न टू द राइट, यू विल सी द ताज, तो आदमी मुड़ने में एक सेकंड लगेगा, मुड़ में एकदम मुड़ जाएगा ऐसे करके, जल्दी वाला काम ये भी। रीटा रोड वोर ए कैप, शी वेंट इन टू द किचन, रीटा ने एक कैप पहना, कैप पहने में सेकंड लगेगा, आदमी पहन लेगा, और वो जो है किचन में चली गई। द चाइल्ड थ्रू हिज टॉय, बच्चे ने अपना खिलौना फेंक दिया, तो फेंकने में एक सेकंड लगेगा। ही बिगेन टू वीप, और रोने लगा वो। अगला है आई हर्ड द क्राई, मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी किसी की रोने की, एकदम आदमी को आवाज़ कान में आ जाएगी। I ran out to see the matter, और मैं तुरंत घर से बाहर भाग देखने के लिए। He fled, वह भाग गया। He saw a tiger, उसने एक टाइगर देखा। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है सेंटेंस अलटा पलटी भी कर देते हैं। पहला वाला काम क्या हुआ, पहला काम भागने का होगा या टाइगर देखने का होगा, पहला आदमी टाइगर देखेगा उसके बाद भागेगा। तो शुरुआत हमको यहाँ से करनी पड़ेगी, इस सेंटेंस को यहाँ मान के चलेंगे, इधर यहाँ से शुरू होगा, उसको आगे ले जाएंगे सेंटेंस को। अगला है द कैट वॉज हंग्री, बिल्ली भूखी थी, इट किल्ड ए रैट, उसने चूहे को मार दिया। देखिए अगला नियम आ रहा है, जब सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, वही नियम चलेगा यहाँ पर भी, और पहला काम कुछ देर का हो, यानी जिसमें कुछ देर, एक दो सेकंड से ज़्यादा देर लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इस तरह काम। जैसे ये आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई वेंट टू स्कूल, और मैं स्कूल गया, पहला काम जो थोड़ा देर का आए वाला। ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, पहले वाली जो वर्ब होगी फाइनल वर्ब भी, उसको हम हैविंग थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये
बस बाकी सेल इसकी नकल करनी है सेमी में, तो एक फाइनल वर्ब आ जाएगी यहाँ पर कि ये चेंज हो जाएगा। तो नियम ये बना है जल्दी वाला काम हो एक दो सेकंड वाला तो फाइनल को एनजी में चेंज करते हैं शुरू में, और थोड़ा देर वाला काम हो तो फाइनल को हैविंग थर्ड में चेंज करके बना दें। देखिए बना के वाक्य, किरण रोड ए लेटर शी पोस्टेड इट, किरण ने पत्र लिखा और पोस्ट किया, तो पत्र लिखने में देर लगेगी थोड़ी सी। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल हो गया, टाइम लगेगा इसमें, पढ़ाई छोड़ दी उसने। मेरे माई फादर टुक बाद, पिताजी ने स्नान किया, ऑफिस चले गए, स्नान करने में देर लगेगी। द चाइल्ड वॉज बीटन बाई मी, बच्चा मेरे द्वारा पिटा, स्टार्ट वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। द मिनिस्टर वॉज पनिश्ड बाय द किंग, मंत्री को राजा द्वारा सजा दी गई और उसने शहर छोड़ दिया। शी हैज़ बीन बीटन बाई स्नेक, उसको सांप द्वारा काटा गया। शी इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, वह फर्श पर लेटी है। शीला हैज़ बीन बॉर्न रिच, वह काफ़ी मालदार घर में पैदा हुई है, वो कुछ नहीं जानती। विमला टुक हर ब्रेकफास्ट, विमला ने नाश्ता किया, शी वेंट होम। सोनू बॉट ए बुक, सोनू ने किताब खरीदी, टाइम लगा खरीदने में, उसको पढ़ी किताब को। चारू मिस द ट्रेन, ट्रेन छूट गई और उसने एक टैक्सी पकड़ी। ये देखिए बना के अगले नियम आ रहा है, यहाँ भी वही है जब वाक्यों को सब्जेक्ट सब कहे को, तीसरा नियम चल रहा है उसके, ये एक काम को इसमें जारी रहने का हो या दोनों काम हो, यानी कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। राहुल टॉक टू मी, राहुल ने मुझसे बात की, ही वॉज स्मोकिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर स्मोकिंग कर रहा था। ऐसे वाक्य में जो हमारा आईएनजी वाला सेंटेंस को हम शुरू में लाएंगे यहाँ पर ये, और सब्जेक्ट और वर्ग को छोड़ देंगे फाइनल वर्ग को, ये शुरू में वाइल का प्रयोग करेंगे अपने पास से और आईएनजी से वाक्य शुरू करेंगे। इस सेंटेंस की नकल करनी है आगे लाके यहाँ पर, ये नाम याद दे देंगे इसका, ये यानी जो वाक्य आईएनजी वाला हो उसे हटा उसे पहले रखते हैं और सब्जेक्ट और बी को छोड़ देते हैं। बी का मतलब इज अमार वाज वर्ब जो होगा ये, और शुरू में वाइल रखेंगे और आईएनजी फॉर्म से वाक्य बनाना शुरू करेंगे। हरी मेट मी, ही वॉज रनिंग ऑन रनिंग वेरी फास्ट, हरी मुझसे मिला, वह बहुत तेज़ दौड़ रहा था। ये वाक्य काम जारी है वाला बने के शुरू में। वी सॉ मैनी डॉग्स, वी वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, हमने बहुत सारे कुत्ते देखे, हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। फादर गेव मी 100 रुपीज़, पिताजी ने 100 रुपये दिए। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे पिताजी। मदर वॉज लिसनिंग सॉन्ग, शी कुक फूड, मदर ने खाना बना रही थी, मदर खाना बना रही थी। मदर वॉज लिसनिंग सॉन्ग, मदर गाना सुन रही थी। शी कुक फूड, उन्होंने खाना बनाया। माई ब्रदर वॉज ड्राइविंग ए कार, मेरे भाई कार चला रहे थे। ही फोन मी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। आई वॉज वॉशिंग क्लॉथ, मैं कपड़े धो रहा था। आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। तो दोनों वाक्य आईएनजी वाले होने पर भी कोई सा वाक्य शुरू कर सकते हैं, चाहे तो वाइल वॉशिंग से शुरू कर सकेंगे सेंटेंस, या फिर वाइल सिंगिंग से शुरू कर सकते हैं, इसको बाद में ले आएंगे, दोनों तरह बन जाएगा ये। देवर वॉचिंग ए कॉमेडियन मूवी, वे एक कॉमेडियन मूवी देख रहे थे और वो हंस रहे थे, कोई सा वाक्य शुरू ला सकते हैं शुरू में। सोनिया वॉज वीपिंग, सोनिया रो रही थी। शी रोड हर फादर्स लेटर। द बॉयज शाउटेड, लड़के चिल्लाए। देवर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे थे। द चिल्ड्रन एन्जॉयड होली, लड़कों ने होली का आनंद लिया। देवर थ्रोइंग बैलून्स, बैलून फेंक रहे थे। देखिए इसको बनाकर, देखिए अगला नियम आ रहा है, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, जैसे ये शी सॉ मुरारी, उसने मुरारी को देखा। अगले हमारा ही वॉज वीपिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर रो रहा था। तो इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नए सेंटेंस में बन रहा है, ये संबंध है दोनों में। इसमें क्या करते हैं, पहला वाक्य सेम लिखना होता है पूरा, ये कॉमा ला देते हैं और अगले वाक्य का सब्जेक्ट और जो वर्ब होगी उसको छोड़ देंगे फाइनल वर्ब को, बाकी नकल कर देना सीधा ही। यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब को हटा कर केवल एक शब्द बचा है, जैसे लिख रहा है आई सॉ स्नैक, मैंने एक सांप देखा। द स्नैक वॉज किल्ड, तो अगले यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन रहा है, तो अगले वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब को हमें हटाना ही है। तो इसके बाद केवल एक शब्द बच रहा है। अभी शब्द चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म बचे, चाहे आईएनजी बचे या एडजेक्टिव कुछ भी बचे, उसको उठाकर लाकर पहले ऑब्जेक्ट से पहले रिस्पेक्ट कर देना है यहाँ पर, पहले सेंटेंस के अंदर ही। आई सॉ ए किल्ड स्नैक, मैंने एक मरा हुआ सांप देखा, ये हिंदी बनेगी इसकी। देखिए वाक्य बना के देखिए हिसाब से, अब एक नियम यह है, यदि सब्जेक्ट भी अलग हो और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कोई संबंध भी ना हो, तो पहले वाला काम जो हो रहा होगा उस पहले वाले काम की जो वर्ब है तो उसको हैविंग थर्ड में चेंज करना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखने वाली बात है, सब्जेक्ट हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना शुरू में जो भी होगा,
वर्ब को हैविंग थर्ड में चेंज करना है और अगले वाक्य की नकल कर देनी है, कॉमा लगाना है इसके अंदर भी। यदि वाक्य इज़्मार वाला हो, एज़वर वाला हो पहले, और उसके आगे कोई वर्ब ना दी हो, तो इन सबको बीइंग में चेंज करेंगे। जैसे राम इज़, रामू इज़ ए थीफ, इसके बाद यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो इसका बीइंग बनेगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर जो है वास के बाद में साइन आ रही है, वर्ब सेकंड फॉर्म आ रही है, ये थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का वाक्य है। यहाँ पर वास के बाद बीटा आ रहा, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में वास को हम हैविंग बीन में चेंज करेंगे और अगले वाक्य की नकल करनी है सेम। यहाँ पर भी कॉमा लगा के ये देखिए बना के ठीक। अगला नहीं हमारा, यदि वाक्य में उद्देश्य या इच्छा प्रकट की गई हो, तब इच्छा उद्देश्य वाले वाक्य का सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब को हटाकर आगे जो वर्ब होगी इसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे उसको। विश और वांट और मस्ट ये सब के बाद आता है अक्सर, वो इनको हटा देते हैं। ऐसे कभी कभी क्या होता है वर्ब में टू लगा हो सकता है पहले से ही। देखते हैं आगे, राहुल वेंट टू दिल्ली, राहुल दिल्ली गया। ही वांटेड टू सी रेड फोर्ट, वह देखना चाहता था लाल किला। तो यहाँ पर उसका ये इच्छा थी देखने की। तो पहला वाक्य सेम लिखना हमें, ये राहुल वेंट टू दिल्ली। अब सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब को हटाएंगे तो यहाँ पर अभी भी टू लगा लगाया वर्ब के अंदर है पहले से ही, इसको लिख देना सेम ये, टू सी द रेड फोर्ट, राहुल दिल्ली गया लाल किला देखने, ये बन जाएगा। माई हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, मेरा घर और सामान सब बिक गया। आई विश पेइंग माई डेब्ट्स, मैं अपना कर्ज चुकाना चाहता था। तो यहाँ पर पहला वाक्य होगा विश और सब्जेक्ट हट जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हम इसको टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, इस तरह बनेगा ये। राहुल हैज़ ए लार्ज फैमिली, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, राहुल का बड़ा परिवार है और उनकी उसे देखभाल रखनी पड़ती है, पूरा उसका इंतजाम करना पड़ता है खाने पीने का। ही वर्क हार्ड, ही वांटेड टू पास टू टॉप मेरिट, उसने कठिन काम किया, टॉप मेरिट टॉप करना चाहता था। यहाँ पर टू लगा लगाया पहले से वर्ब में। द स्टैगर्स हेल्ड ए मीटिंग, दे विश्ड टू डिस्कस, स्टैगर्स ने एक मीटिंग रखी और वो डिस्कस करना चाहते थे। मिस्टर सक्सेना हैज सम डॉग्स, सक्सेना के पास कुछ डॉग हैं। दे विल गार्ड हिज हाउस, जो उसका घर के गार्ड करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उद्देश्य प्रकट हो रहा है यहाँ पर ये। आई वेंट टू द गार्डन, आई विश्ड टू कलेक्ट सम हनी, मैं बाग में गया, मैं कुछ शहद इकट्ठा करना चाहता था, इच्छा प्रकट हो रही है यहाँ पर। ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू अर्न हिज लिविंग, तो वह कठिन काम करता है, वह अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है। शी विशेज टू पास, वह पास होना चाहती है एग्ज़ाम में, शी वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये विश वाला वाक्य पहला आ गया है, तो बनाते समय इसको हमें बाद में रखना होगा, पहले लाएंगे शी वर्क्स हार्ड टू पास द एग्ज़ाम्स, ऐसा बनेगा ये। आई वॉन्ट टू बिकम आई एस, मैं आई एस बनना चाहता हूँ। आई एम स्टडिंग 8 hours डेली, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर वांट वाला वाक्य इधर है, इसको बाद में रखना पड़ेगा। शी इज़ गोइंग टू आगरा, शी विल अटेंड ए पार्टी, आगरा जा रही है, उस पार्टी अटेंड करेगी। यहाँ पर सब्जेक्ट को ये छोड़ देंगे यहाँ पर ही, या टू लग जाएगा। आई हैव ओनली वन सर्वेंट, ही कुक्स माई फूड, मेरे पास केवल एक नौकर है, वह मेरा भोजन पकाता है। तो यहाँ पर इसको हम टू कुक का प्रयोग करेंगे यहाँ पर ही। देखिए अगला नियम आ रहा है, यदि वाक्य में असमर्थता प्रकट हो, यानी वाक्य कैन नॉट या कुड नॉट वाला हो इनमें से एक, जैसे ये है, दीनू इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए कार, दीनू बहुत गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वेरी को हटा के बदले में लाएंगे टी डबल ओ टू एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद अगला सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब, और ये नॉट पूरा हट जाएगा, इसके बदले में टू का प्रयोग करना है। दीनू इज़ टू पुअर टू बाई कार, दीनू इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता, ये बनेगा मतलब। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कैन नॉट को हटाकर टू लगाना है, और मच या वेरी के बदले में एडवर्ब टू का प्रयोग करना है इसमें। यदि वाक्य में समर्थता प्रकट हो, यानी कि वाक्य में नॉट लगा हुआ ना हो, खाली कैन गुड हो, जैसे ही कुड फीड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वेरी को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर लेंगे एडजेक्टिव पहले ही, इसके बदले में यहाँ पर लगेगा इनफ एडजेक्टिव के आगे, अगर नॉट नहीं है सेंटेंस में तो ही। उसके बाद सब्जेक्ट और कैन गुड हटा देंगे, यहाँ से टू लगा देंगे यहाँ पर ये, तो इसका बनेगा राहुल वाज रिच इनफ टू फीड द पुअर, यानी इसका मतलब राहुल वाज वेरी रिच, राहुल बहुत मालदार था, वह गरीबों को खाना खिला सकता था, राहुल काफ़ी मालदार था गरीबों को खाने खिलाने के लिए, ये बनेगा इसका। ये वेरी गुड हटा एडजेक्टिव के बाद इनफ का
प्रयोग कर दें और सब्जेक्ट के बाद कैन गुड को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। ये देखिए बना के सेंटेंस। देखिए अगला नियम आ रहा है, जब किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में कई बात बताई गई हो, बहुत सारी दो तीन बातें, तो पहले उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं बातें, और अगले वाक्य के सब्जेक्ट ऑफ जो बी का मतलब है वाज वर्ब जो भी होगा एग्जाम आर, उसको हटा देंगे और कॉमा लगाते चलेंगे उसमें, और अंत में एक फाइनल वर्ब को छोड़ देते हैं, या तो मैन वर्ब होगी इसी या फिर बी वाली भी चल जाएगी। जैसे वाक्य है, एम के गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस, महात्मा गांधी शांति से प्यार करते थे। ही वॉज ए लॉयर, वो एक वकील थे। ही प्रीच नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसका बनेगा, इसको फाइनल वर्ब पर छोड़ देंगे हम, ये एम के गांधी ए लवर ऑफ पीस, एक क्वालिटी इनकी आ गई, ए लवर ए लॉयर और एक वकील थे, प्रीच नॉन वायलेंस, एक फाइनल वर्ब यहाँ पर आ गई। इस पूरे सेंटेंस में एक ही फाइनल वर्ब है ये वाली, इसलिए वाक्य सिंबल बन गया यहाँ पर। इस तरह बना दें, तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज ए फेमस इन इंडिया, एक महान कवि थे और इंडिया में फेमस थे वो, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी वाज पोएट बाय हार्ट, ही वाज ए बीजेपी लीडर, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हृदय से कवि थे और बीजेपी के नेता थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। राणा प्रताप वाज ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप जो थे एक बहादुर लड़ाके थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे। ही फॉट मैनी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध लड़े उन्होंने। वर्ड्सवर्थ वाज ए ग्रेट पोएट इन इंग्लिश, वर्ड्सवर्थ जो थे वो इंग्लिश के एक महान कवि थे। ही पोजेस्ड ग्रेट कमांड ऑफ लैंग्वेज, और उनको भाषा की बहुत अच्छी पकड़ थी इनके अंदर। ही वाज कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, और वो नेचर को बहुत बारीकी से देखते थे। कोल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, कोयला जो है बहुत ही खास मिनरल है। इट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड, और ये ज़मीन में पाया जाता है। इट इज़ हार्ड, इट इज़ ब्लैक एंड ब्रिस्टल। तो यहाँ पर हम इस छोड़ देंगे वाला, ये वाला इट इज़ छोड़ देंगे, इट इज़ छोड़ देंगे हार्ड, और ये सब क्वालिटीज़ कह देंगे। लास्ट में एक बार छोड़ देंगे ये वाली। मिस्टर मोदी इज़ फेमस लीडर, ही इज़ नोन एज एन ऑनेस्ट पर्सन, मोदी एक प्रसिद्ध लीडर हैं, वो बहुत ही ईमानदार माने जाते हैं। ही रिपीट द थ्री फॉर्म लॉज, उन्होंने जो है तीनों कानून वापस ले लिए हैं। अभी देखिए इसको बना कर। देखिए अगला नियम हमारा ये, जब पहले वाक्य की वर्ग की विशेषता दूसरे वाक्य में आए तब एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देते हैं। जैसे शी आंसर्ड मी, उसने मुझे उत्तर दिया। हर आंसर वाज करेक्ट, उसका आंसर सही था। इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसका आंसर कैसा था, वो करेक्ट था। इस शब्द को हमने यहाँ पर करेक्टली भी चेंज करेंगे, यहाँ पर ये सब छोड़ देंगे, सब्जेक्ट जो भी होंगे अगला, और ये फाइनल वर्ब भी है। इसका बनेगा शी आंसर्ड मी करेक्टली। इस पूरे सेंटेंस में एक ही फाइनल वर्ब आ रही है, ये वर्ब हमने छोड़ दिया से। ये सेंटेंस का पूरा सेंस आ गया, उसने उसका आंसर, उसने मुझे आंसर करेक्टली दिया। ठीक है, इस तरह बदलते हैं। माई फ्रेंड स्पेंड ऑल इज मनी, मेरे दोस्त ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। दिस वॉज फुलिश, जो खर्च कर दिया वो काम कैसा था, वो फुलिश था, वो मूर्ख था, पुरकार था। माई फ्रेंड स्पेंड ऑल इज मनी फुलिशली, तो यहाँ पर हम इसको फुलिशली में चेंज करेंगे। तो इस तरह से इनको हम बदल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बदल सकते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलते हैं। शी इज़ फ्लुएंट इन हर स्पीच, वह अपने स्पीच में फ्लुएंट है, तो फ्लुएंट का फ्लुएंटली कर देंगे यहाँ पर शब्द में। ही किल्ड द पैसेंजर्स, हिज एक्शन वॉज डेलिब्रेट, डेलिब्रेट चेंज कर देंगे यहाँ पर डेलिब्रेटली में। नरेंद्र मोदी इज़ ए वर्ल्ड लीडर, देर इज़ नो डाउट, डाउट का बनेगा अनडाउटेडली बन जाएगा। माई सिस्टर सोनम फेल्ड, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, इसमें अनफॉर्चुनेटली करेंगे, एल वाई प्लस कर देंगे अनफॉर्चुनेट के अंदर ही। द ट्रेन अराइव, द ट्रेन वॉज पंक्चुअल, पंक्चुअल का पंक्चुअली, इसके अंदर एक एल और डबल एल वाई हो जाएगा फिर लास्ट में आ गई। द शी रिसीव्ड द गिफ्ट, शी वॉज हैप्पी, हैप्पी का बन जाएगा हैप्पीली, वाई को आई में चेंज करके एल वाई लगा देंगे, एडवर्ब बन जाएगा ये। शी कॉल्ड ऑन मी, इट वॉज स्पेशल, स्पेशल का स्पेशली बनेगा, डबल एल वाई हो जाएगा लास्ट में। ही वॉज रियून, हिज रियून वॉज कम्प्लीट, कम्प्लीटली में एल वाई लग जाएगा यहाँ पर ये। ही लॉस्ट हिज लाइफ, दिस वॉज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली में चेंज हो जाएगा शब्द ये। ही किक्ड द प्लेयर, इट वॉज हिज इंटेंशन, इंटेंशनली में ए डबल एल वाई हो जाएगा यहाँ पर आगे एड इसमें। विराट कोहली इज़ ए ग्रेटली प्लेयर, दिस इज सर्टेन, सर्टेन का सर्टेनली में चेंज करेंगे यहाँ पर ये। ही इज़ फ्रैंक, ही विल टेल यू होल ट्रूथ, यहाँ पर फ्रैंक में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाएंगे, फ्रैंकली लास्ट में आ जाएगा ये।
द रिवर वॉज फ्लोइंग इट्स फ्लो वॉज रैपिड, रैपिड का रैपिडली बन जाएगा। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, इट वॉज ओनली ए चांस, ए चांस का जो बनेगा एलवाई बाई चांस बनेगा, ये एलवाई से नहीं बनेगा। ये कालिदास वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, इट इज सर्टेन, सर्टेन का सर्टेन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये लगभग सारे नियम आपके आ गए हैं सिंपल बनाने के। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।